दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्हें हम मार्केट की हर गिरावट में परचेस कर सकते हैं। कौन से पांच जबरदस्त स्टॉक्स है ये जानने के लिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉक बिलोंग करता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। दोस्तों पिछले साल कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से स्टॉक मार्केट में जो कुछ भी हुआ था वो एक स्पेशल सिचुएशन थी, जिसकी वजह से कुछ रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स को ऐसा लगने लगा है कि वो एक बहुत ही अच्छे स्टॉक पिकर है। लेकिन जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि ओनली व्हेन द टाइड गोज आउट डू यू डिस्कवर हु इज बीन स्विमिंग नेकेड। और इसीलिए आई फॉर्मली बिलीव कि आने वाले समय में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जबरदस्त ग्रोथ आने वाली है। और जहां बात आती है म्यूचुअल फंड्स की, तो मुझे पर्सनली वो कंपनीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है जहां कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। मैं पर्सनली पसंद करता हूं ऐसी कंपनी जहां कंपटीशन या तो ना के बराबर है या फिर है ही नहीं। कैम्स एक लो रिस्क कैटेगरी की स्मॉल कैप कंपनी है जिसने पिछले 4 महीनों में यानी कि लिस्ट होने से लेकर के अभी तक में 26% से भी ज्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है। और आज की तारीख में ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। 100% एनालिस्ट ने इसे बाय रेटिंग से नवाजा है, जिसका फेब्रुआरी 2022 तक का प्राइस फोरकास्ट बताता है लो ऑफ 1727 रुपीज और हाई ऑफ 2095 रुपीज। क्लीन बैलेंस शीट के साथ साथ इसके फ्री कैश फ्लो में भी हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग है 31%, FIIs की होल्डिंग है 22%, रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है 21% और बाकी बची होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स एंड अदर DIIs के पास। अब दोस्तों सारे इन्वेस्टर्स तो रॉबिनहुड हो नहीं सकते। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी है जो जेन्युइनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अपने लिए अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को होल्ड करके रखना। और पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को होल्ड करने के लिए जो हमारे मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उसका नाम है CDSL। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि जो डीमैट अकाउंट मैं पर्सनली यूज करता हूं उसका डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट भी CDSL है। अब दोस्तों अगर आप मेरे YouTube और Telegram के काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग लिंक की मदद से आप भी मेरी तरह इंडिया की नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। CDSL भी एक लो रिस्क कैटेगरी की स्मॉल कैप कंपनी है जिसने जुलाई 2017 से लेकर के अभी तक में 135% का रिटर्न निकाल करके दिया है। यानी कि पिछले 3 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया है। फिलहाल ये भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसका भी रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी ये कंटिन्यू रहेगा। 75% एनालिस्ट ने इसे बाय रेटिंग दी हुई है, जिसका प्राइस फोरकास्ट बताता है कि स्टॉक अभी ओवरवैल्यूड है और आने वाले समय में इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। CDSL एक कैश रिच कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है और फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसका चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी काफी इंप्रूव हुआ है और इसका फ्री कैश फ्लो भी काफी अच्छा रहा है। इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग है 20%, DIIs की होल्डिंग है 21%, FIIs की होल्डिंग है 13%, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है 8% और रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है 38%। हमारा तीसरा स्टॉक है एनर्जी सेक्टर से, जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। रिसेंटली इन्होंने एक और वेंचर लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज। दोस्तों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन 10 सालों में ये कंपनी हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स निकाल करके दे सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कंपनी पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये भी एक लो रिस्क कैटेगरी की स्मॉल कैप कंपनी है जिसने अक्टूबर 2017 से लेकर के अभी तक में सिर्फ 85% का रिटर्न निकाल करके दिया है। लिस्टिंग से लेकर के मार्च 2020 तक इसने कोई भी रिटर्न निकाल करके नहीं दिया था, बावजूद इसके कि इसका फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही जबरदस्त रहा है।
और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि किसी भी शेयर का भाव उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का गुलाम होता है, इसलिए आज नहीं तो कल उसे अपनी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ तो चलना ही पड़ेगा। और आज की तारीख में ये शेयर भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी ये जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सकता है। शायद इसीलिए 12 में से 83% एनालिस्ट ने इसे बाय रेटिंग से नवाजा है, जहां इसका फरवरी 2022 तक का प्राइस फोरकास्ट बताता है कि इसमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। अपनी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही कम और करंट रेशियो बहुत ही ज्यादा है, जो कि जबरदस्त है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में जहां इसका चेंज इन वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा खराब हुआ है, वहीं इसका फ्री कैश फ्लो बहुत ही अच्छा रहा है। म्यूचुअल फंड्स ने इसमें कंसिस्टेंटली होल्डिंग इंक्रीज की है, वहीं इसकी FIIs की होल्डिंग है 30%, DIIs की होल्डिंग है 12% और रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है 39%। हमारा चौथा स्टॉक बिलोंग करता है सीपास टेक्नोलॉजी को, जिसका मतलब है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और इससे रिलेटेड जो कंपनी हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसका नाम है राउट मोबाइल। दोस्तों, राउट मोबाइल एक मॉडरेट रिस्क कैटेगरी की स्मॉल कैप कंपनी है, जिसने लिस्टिंग से लेकर के यानी कि सितंबर 2020 से लेकर के अभी तक में 157% का रिटर्न निकाल करके दिया है। यानी कि सिर्फ पिछले 5 महीनों में इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को 2.5 गुना से भी ज्यादा कर दिया है, और इसीलिए आज ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ इसमें प्रॉफिट काफी कंसिस्टेंट रहा है, जिसको 67% एनालिस्ट ने बाय रेटिंग से नवाजा है, जहां इसका भी फ्यूचर फोरकास्ट बताता है कि इसमें भी हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल सकती है। अपने इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इसका डेट टू इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो थोड़ा सा खराब है, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसका चेंज इन वर्किंग कैपिटल बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हुआ है, और फ्री कैश फ्लो भी अपने पास्ट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रहा है। और यहां आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग है 66%, वहीं FIIs की होल्डिंग है 16%, रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है 14% और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है 4%। हमारा पांचवा और आखिरी स्टॉक है IT सेक्टर से, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये भी एक लो रिस्क कैटेगरी का स्मॉल कैप स्टॉक है, जिसने लिस्टिंग यानी कि सितंबर 2020 से लेकर के अभी तक में 36% का रिटर्न निकाल करके दिया है। FD के कंपेरिजन में इसका रिटर्न अच्छा है और इस कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है। इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है, जहां ईयर 2018 में इसको लॉस हुआ था, वहीं ईयर 2020 में इसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट बताया है। 100% एनालिस्ट ने इसे बाय रेटिंग दी हुई है, जहां इसका प्राइस फोरकास्ट बताता है कि इसमें भी आगे जाके अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल सकती है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही अच्छा है, वहीं करंट रेशियो थोड़ा सा खराब है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसका चेंज इन वर्किंग कैपिटल काफी इंप्रूव हुआ है और इसका फ्री कैश फ्लो भी बहुत ही अच्छा रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स में प्रमोटर्स होल्डिंग है 53%, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है 6%, FIIs की होल्डिंग है 8% और बाकी बची रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है 33%। अब दोस्तों, अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए से इन स्टॉक्स में पोजीशन बनाना चाहते हो, तो मैंने आप सभी के लिए पांडव नाम का एक स्मॉल केस बनाया है, जिसकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर आप इन स्टॉक्स में PE रेशियो का या इंट्रिंसिक वैल्यू का झंझट नहीं चाहते, तो इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में आप मंथली SIP भी बुक कर सकते हैं। चलिए अंत में बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। दोस्तों, क्योंकि इस पोर्टफोलियो के पांचों स्टॉक स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में सिर्फ हाई रिस्क टेकर्स और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि मिनिमम 5 साल तक अपनी SIP को कंटिन्यू रख सकते हैं।
इसके बाद इस पोर्टफोलियो में पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पावर ऑफ डिविडेंड्स एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इस पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर आप इस पोर्टफोलियो में SIP बुक नहीं करना चाहते तो एक काम कर सकते हैं, एक बार इस स्मॉल केस को परचेस कर लीजिए। इसके बाद आप हर 10% की गिरावट पे इंडिविजुअल शेयर को ऐड कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का मैंने इस्तेमाल किया है उसका नाम है टिकरटेल। अगर आप भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट, डेट टू इक्विटी रेशियो, फ्री कैश फ्लोज, एनालिस्ट रेटिंग, फ्यूचर प्राइस फोरकास्टिंग जैसी चीजें इजीली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो टिकर टेप की मदद से कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये पोर्टफोलियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पोर्टफोलियो पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके इस पोर्टफोलियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और अपने बेनिफिट के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।